नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई ब्लॉग स्पॉट को में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको पीने से पेट की गर्मी, पेट की जलन, पेशाब की जलन और मुँह के छालों में तुरंत आराम मिलता है। अगर इसका लगातार एक हफ्ते तक आप सेवन करें तो ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो ये है सौंफ, जिसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। हम होटल वगैरह में भी खाना खाने जाते हैं तो सौंफ और मिश्री वहां पर हमको खाना खाने के बाद दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाते कैसे। एक गिलास में हम पानी डाल देंगे। अब इसमें 4 चम्मच हम सौंफ मिक्स करेंगे, 4 टेबल स्पून है ये। अब इसकी जगह अगर आपके पास साबुत सौंफ नहीं है तो आप जो पिसी हुई सौंफ घर में होती है इसको भी ले सकते हैं। मिक्स कर देते हैं। जब पूरी तरह ये भीग जाएगी तो ये सब नीचे बैठ जाएगी। इस गिलास को मैं सौंफ को भिगोने के बाद आपको कम से कम 4 घंटे के लिए रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे ओवरनाइट सोक कर दीजिए, सुबह पी लीजिए। और इस पानी में 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर मिलाना है। देखिए, ओवरनाइट सौंफ को पानी में भिगोने के बाद ये इस तरह की हो गई है और इसका जो सौंफ है वो नीचे बैठ गई है। सौंफ का सारा शक पानी में आ गया है। छान लेते हैं पानी को। अब इस पानी में हम 1 चम्मच जो धागे वाली मिश्री है उसका पाउडर मिला देते हैं। आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ा और भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, धागे वाली मिश्री देखिए कैसी होती है, आप सोच रहे होंगे। इस सबसे शुद्ध होती है, इसमें इस तरह से धागा होता है। ये धागा बहुत फायदेमंद होती है, इस मिश्री का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। अब ये सेवन करने के लिए तैयार है। इसको आप लेना कैसे है फ्रेंड्स, इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। एक बार सुबह ले लीजिए और एक बार शाम को ले लीजिए। अब जो इसमें जो छानने के बाद और जो वो ये सब बचा है इसका सौंफ, इसको भी आप एक बार और भिगो दीजिए। जैसे आपने सुबह ले लिया तो इसी को दोबारा भिगो दीजिए, फिर शाम को ले लीजिए। और अगर आपने पूरी रात भिगोया है तो सुबह ले लीजिए। पानी डाल देते हैं बची हुई इस सौंफ में। एक बार और फिर हम 4 घंटे के बाद इसको छान लेंगे और एक बार और इसमें 1 चम्मच मिश्री मिला करके सेवन करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, शरबत बनकर तैयार है। इस शरबत को आप किसी भी मौसम में पी सकते हैं, गर्मियों में तो विशेष रूप से ये पिया ही जाता है। फ्रेंड्स, इस शरबत को बिना खर्चे के, बिना मेहनत के बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए इस घरेलू नुस्खे को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए।